नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं घंटा घर के पास और यहां अजाक्स के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। कौन से मुद्दों पर ये रैली आयोजित की गई है और क्या मांगे हैं इन लोगों की, आइए इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। किस चीज़ को लेकर के आप लोगों के द्वारा ये मध्य प्रदेश अजाक संघ प्रांतीय आह्वान पर जी आज यहाँ जबलपुर में अनेक सामाजिक संगठनों एवं एसटीएससी ओबीसी की समस्त ज्वलंत समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आज धरना आंदोलन था और जिसपे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। मुख्य मांगे ये थी कि सबसे पहले तो जो ठेका प्रथा में जो भर्तियां हो रही हैं बंद किया जाए, संविदा नियुक्तियां हो रही हैं ये नियमित नियुक्तियां किया जाए, हमारे एसटी छात्राओं को जो छात्रवृत्तियाँ बंद किया जा रहा है उसको दिया जाए बराबर, है ना ये, और छात्रावास बैकलाग भर्ती की समय सीमा बढ़ाई जाए, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा साहब ने जो संविधान में निहित किया है आरक्षण लागू होना चाहिए, ऐसे अनेकों समस्याएं हैं, जो पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और मध्य प्रदेश के कुटवार जो अनेक चुनाव होते हैं हर वर्ष सरकारें चुनाव करा के सरकारें बना लेती हैं, एक लठ लेकर के एक लाठी पे वो चुनाव करवाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, ऐसी अनेक समस्याएं, उनको रेगुलर कोई वेतन मान निर्धारित किया जाए कोटवारों को, ऐसी एसटीएससी की तमाम समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को आरक्षण को लेकर के तो पहले से प्रावधान है, आप किस प्रकार की आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण में पदोन्नति बंद कर दिया गया, बैकलाग भर्ती में कम सीटें दे रही हैं, रोस्टर के माध्यम से एजुकेशन में भी उनको कम किया जा रहा है, कहाँ उनकी भर्ती है, सिर्फ नाम निजीकरण जैसे संस्थाएं प्राइवेट कही जा रही हैं, रेलवे हो गई, पेट्रोलियम हुआ, आपका BSNL हो, सब अगर निजीकरण होंगी जो ठेकेदार लोग आएंगे तो उसमें जो आरक्षण की जो प्रक्रिया वो माइनस में जाएगी, जो SST OBC जो आरक्षण है मैन जो है संविधान के अंदर वो मिलेगा नहीं हमारे लोगों को, मूल समस्या तो बढ़ती जा रही ना, और हमारा जो संविदा जो पुरानी बहाल पेंशन की बात कर रहा है बराबर है, आज नेताओं की देखो कितने कितना जो है चुनाव के बाद भी उनको पैसा मिलता है, बताइए। अच्छा तो हमारे जो शिक्षक हैं हमारे जो बच्चों को इस मतलब गाइड करते हैं, उनका भविष्य बनाते, इस देश के भविष्य होते हैं, ऐसे मास्टरों के साथ अगर इस तरीके अनदेखी की जा रही है तो ये तो नाइंसाफी है। और जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में भी बातचीत आप लोग के द्वारा की गई, तो स्कॉलरशिप को लेकर के क्या मांग है, क्योंकि स्कॉलरशिप तो मिल रही है लगातार? नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे बच्चे ट्राइबल से आते हैं, यहाँ पे व्यवस्था रहने का भी उनको नहीं हो पाता है, जैसे कि इसके पूर्व में उनके लिए आवासीय व्यवस्था किया गया था शासन द्वारा, पर आवासियों को भी उनका 2000 रुपये काटा गया है, ये तो ये बहुत अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए था, और जो समय पे उनका स्कॉलरशिप मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेट हो रही है? बहुत लेट हो रही है, जिससे कि साल दो साल हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जिससे हमारे शिक्षा संघ भी साथ में छात्रावासों की भी हालत खराब है, आज जहाँ भी देख ले PMT छात्रावास देख ले, आधारताल में देख ले, कहीं भी जाकर देखें तो छात्रावास का बिल्कुल जर्जर हालत है और इसमें शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही, तो हम सभी। और इसके अलावा किन मांगों को लेकर के आपके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है या भविष्य में इसकी क्या कार्य योजना है? आज तो आप लोगों ने जो किया तो ज्ञापन सौंप दिया है, इसके बाद की क्या योजना है? इसके बाद की हमारी जो योजना है 26 फरवरी 2023 को पूर्वानुसार विगत 12 जून 2016 को हम लोगों ने बृहद प्रदर्शन कर भोपाल में एक साथ लगभग 3 से 3.5 लाख लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, उस मंच पे SC ST OBC के सभी लोग उपस्थित हुए थे, और उस भीड़ को देख के मध्य प्रदेश के शासन के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को उसी समय वहाँ हमारे बीच में आना पड़ा और वहाँ उनको घोषणा करनी पड़ी थी कि कोई भी माइका लाल आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकता, आरक्षण नहीं ख़त्म करने के साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदरणीय मनोज गोरकेला जी, उनने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो कि मध्य प्रदेश शासन से बोला है और उसे जस का तस जो है उसे लागू किया जाए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, साथ ही हमारे जो बैकलाग के जो रिक्त पद हैं उन पदों को वो जारी नहीं कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग प्रथा जारी कर रहे हैं हमारे, जब आउटसोर्सिंग अगर होगी तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको कार्यमन नहीं मिलेगा, रेगुलर भर्तियां नहीं निकलेगी, उनको काम नहीं मिलेगा, और वो
जो अपने पूर्व जन्मों से जैसे काम जिनके थे जाति अनुसार, हमें लगता है कि शासन पुनः वही कराना चाहती है। चुनाव पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 30 अप्रैल 2020 के बाद जो है तो संविदा नियुक्तियां बंद कर दी जाएंगी, लेकिन संविदा नियुक्तियां अभी भी चल रही हैं। इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग की मांग है कि बंद की जाए संविदा नियुक्ति? बिल्कुल, सबकी मांग है। जैसे आदमी की अभी बोलते तो हैं पर नियुक्तियाँ होती कहाँ है? कहीं नहीं होती। ये तो जमीला है उनका कागजों नौकरियों की बात पीएम मोदी ने और 1,00,000 नियुक्तियों की बात चुनाव पूर्व शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। अरे सब जुमला है भैया, मोदी जी का भी यही जुमला है, मुक्मामा की भी यही जुमला है। जुमले तो देते हैं, आखिरी में बोल देते हैं कि जी तो जुमला है तो उनका जुमले दिखाना है। साथ हम जो देख रहे हैं तो आप वरिष्ठ जन ही हैं, युवा और महिला शक्ति की कमी दिखाई दे रही है इस आंदोलन में। महिला शक्ति भी है हमारे साथ। मेरा विचार ऐसा, शायद आपका मीडिया शायद थोड़ा विलंब से पहुंचा होगा, अभी हमारे साथ सिविक सेंटर से एकत्रित होकर महिला शक्ति भी यहां तक आई थी और वो भी एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं कि सभी महिलाएं आज, जबकि एक रविवार का अवकाश का दिन होता है हमारे कर्मचारी साथियों का, सामाजिक में जो हमारी महिलाएं होती हैं, आज उनके घर में कुछ घरों कार्य करने का दिन होता है, उसके बावजूद भी वो निकल के आई और हमारा सहयोग किया महिला। दो लोग आप लोग हमारे साथ है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आधी आबादी हैं आप देश की और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं देश की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व्यवस्थाओं में, तो जो ये मांगे अजाक्स के द्वारा की जा रही हैं इनको लेकर के क्या कहना है आप? जी बिल्कुल सही मांगे की जा रही हैं और मैं शासन प्रशासन से यही चाहूंगी कि हमारी मांगे को ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। क्या उम्मीद लग रही है शासन प्रशासन से? अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिला है कि मांगे पूरी होंगी। हम लोग को यही उम्मीद है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो हमारी मांग पूरी करें, क्योंकि देखो शिक्षा कर्मी की पोस्ट से हम लोग नियुक्त हुए हैं और पेंशन अभी तक लागू नहीं है। कई लोग अध्यापक बनने के बाद रिटायरमेंट हो चुके और उनकी जो पेंशन बनी है 1200-1300 की कगार में। अब बताइए अपने बच्चों को वो कैसे पालन पोषण करेंगे? इसलिए हमें सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग की पेंशन लागू की जाए और हम लोग को बुढ़ापे का सहारा दिया जाए। आप लोग सेवा कर रहे हैं देश के लिए तो आप लोग को भी पेंशन की जरूरत है। चलिए, ये था जाक्स से जुड़े हुए लोग जिन्होंने स्कॉलरशिप को लेकर के, आरक्षण व्यवस्था को लेकर के, नियमित नियुक्तियों और संविदा नियुक्तियां बंद करने को लेकर के यहां पर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।